सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान बाहर निकलकर चांद की सतह पर घूम रहा है। करीब 14 घंटे बाद गुरुवार सुबह इसकी पुष्टि भारतीय अंतरिक्ष संस्थान केंद्र यानी इसरो ने की है। हालांकि इन स्पेस के चेयरमैन पवन के गोयनका ने देर रात ही प्रज्ञान रोवर की रैंप से बाहर निकलते हुए तस्वीरें शेयर की थी। चंद्रयान 3 के लैंडर ने बुधवार शाम 6:04 पर चांद पर पहला कदम रखा था। प्रज्ञान रोवर में 6 पहिए हैं और इसका वजन 26 किलो है। चांद की सतह पर यह अपने सोलर पैनल खोलकर चल रहा है। इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि यह मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप भी छोड़ेगा। हालांकि इसे लेकर अभी इसरो का कोई बयान नहीं आया है। चहलकदमी के दौरान रोवर की रफ्तार 1 सेंटीमीटर सेकंड है। इस दौरान पानी और कीमती धातुओं के साथ आसपास की चीजों को स्कैन करने के लिए नेविगेशन कैमरों का इस्तेमाल करेगा और इसरो की कमांड टीम को जानकारी भेजेगा। अगले 14 दिनों के दौरान रोवर इस डेटा को एकत्रित करेगा और इसे लैंडर पर रिले करेगा। ये डेटा चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को भेजा जाएगा जो इसे पृथ्वी पर पहुंचाएगा। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को 3:35 पर लॉन्च हुआ था। इसे चांद की सतह पर लैंडिंग करने में 41 दिन का समय लगा। धरती से चांद की कुल दूरी 384,000 किलोमीटर है। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।